खराब चावल के वितरण के मामले को लेकर कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उनका कहना है बीजेपी सरकार माफियाओं से साठगांठ करके प्रदेश में चावल बांटने का काम कर रही थी। शिवराज सरकार चावल माफियाओं पर कार्रवाई करने की बजाय उन्हें संरक्षण देने में लगी हुई है। इसी को लेकर कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने सीएम शिवराज से चावल माफियाओं पर कार्रवाई की मांग की है। बिजली के कनेक्शन जो काटे थे उन्हें जोड़ दिया गया है और जिनको नेस्ता नाबूद करना था उन लोगों को वापस राहत दिए ताकि वो फिर जहरीले चावल बांट पाए। ये सरकार गिराने के लिए इन माफियाओं ने जो पैसा लगाया था उसकी वसूली वो मिलर्स कर रहे हैं। वो सरकार में बैठे लोग माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं। स्पष्ट है इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ऐसे जहरीले चावल जिन्होंने जनता को खिलाए जो जानवरों को खिलाने लायक नहीं थे ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई हो। और अगर कार्रवाई नहीं करी तो सीधी चुनौती है कि शिवराज जी को घेरने का काम करेंगे और कहीं ना कहीं जनता को राहत दिलाएंगे और उनको न्याय दिलाएंगे।